हेलो एंड वेलकम टू फुल टॉस। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, कल के मैच में हमें होम एडवांटेज मिला। मिस्टर पेचारू, मैंने कहीं सुना है कि अपनी जमीन हो, अपनी खेती बाड़ी हो, अपनी कमाई हो, उससे ज्यादा क्या चाहिए। Am I right, Mr. Pedro? You're absolutely right. टिंग टिंग टिंग। जैसे बारिश न होने की वजह से खेती नहीं कर पाते किसान, सुई में धागा डालने के लिए मर जाते इंसान। वाओ वाओ मिस्टर पुद्दू, आपने कितनी गहराई वाली बात की है। अरे क्या वाओ, क्या इसमें इतनी गहराई वाली क्या बात है। मैं यहाँ इतनी गहराई वाली बात कर रहा हूँ। होम टीम को एडवांटेज मिलता है जब क्राउड चीयर करता है इंडियन टीम को। मिस्टर बिचारू, आप क्या कह रहे हैं, वनडे मैच में कभी चीयरगर्ल्स होती है? What is she talking about? Goodness gracious, my friend, she's absolutely right. Cheer girl सबको मैच में करती है cheer, और काका कहते हैं मत रो। पुष्पा, I hate tear. But you haven't answered my question, Pidu ji. My answer is that your question is wrong. Yes, and I think Mr. Pidu is right. How? Because he's sitting on my right. अरे, but. My question is no is no but only Mahesh but this topic is cut. Chal hat. Namaskar, welcome to Full Toss. देखिए, क्रिकेट जगत से आज ताजा ताजा खबर ये है कि फाइनली शोएब अख्तर संन्यास ले रहे हैं। क्या, अब वो हमेशा जंगल में रहा करेंगे? सब कुछ त्याग के? What are you talking about? जंगल में होता है मंगल और मंगल ग्रह में जीवन। आमिर और मनीषा की फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका नाम है मन। कितनी गहराई वाली बात करते हैं आप। क्या गहराई वाली बात कह दी इन्होंने, जबकि मैं कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर जाने वाले हैं। पेचारू जी। हाँ जी। जो आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही होगा। आप कब जाएंगी, आप कब जाएंगी? ओए गुरु, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा उसे ही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। वाओ, क्या बात है। अरे क्या बात है, कुछ बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शोएब अख्तर अलविदा बोलने वाले हैं। का शोएब के साथ साथ मिस्टर बिचारू आप भी अलविदा कह देते, कितना अच्छा होता। मोहतरमा, आने वाला चला ही जाएगा, रह जाएंगे हम। आंखें चार कर लो, मिट जाएंगे गम। इस शो का कुछ नहीं होगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद हम। हेलो, नमस्कार, फूल टॉस में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे पिचेस की। तो इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, आज की पिच में काफी उछाल रहेगा। मिस्टर बिचारू, यस, इसका मतलब है क्या पिच के नीचे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं जिसे हम सब उछल सकते हैं? That's gonna be fun. What is she talking about? My friend, स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं फूल, गर्मी में तरबूज खाइए और रहो कूल। मार सुटिया यार, मार सुटिया। Wow, such a healthy tip, पिद्दू जी, give me five. ओफो पिद्दू जी, मेरे कहने का मतलब है कि आज की पिच में बाउंस रहेगा, बॉलर्स को मदद मिलेगी। किसका क्या मतलब है कि बॉलर्स को मदद मिलेगी? What about the batsman? पिद्दू जी, आप बैट्समैन रह चुके हैं, आप बताइए, it's unfair? Of course. ओए गुरु, वो ब्रेडी क्या जिसमें बटर ना हो, वो ट्रेनी क्या जिसमें शटर ना हो। ट्रेन में शटर? शटर अप। और वो पिची क्या जिसमें उछाल ना हो। कमाल कर देता। पिद्दू जी, आप कभी किसी ट्रेन के सामने आए हैं? नहीं, लेकिन ट्रेन मेरे सामने आया है। धड़क धड़क लोहे की सड़क। बस बहुत हो गया, मैं ये शो अब और नहीं कर सकता। माय फ्रेंड, हार मानने वालों को कहते हैं कायर, प्यार करने वालों को कहते हैं शायर। आह पिद्दू जी, यू आर सो स्वीट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं मुंबई के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नमस्कार साहब। आपके ऊपर इल्जाम है
कि आजकल रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत है रे, बहुत होते बाबा। लोग मरते जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हर सिग्नल के आजू बाजू में हॉस्पिटल बांधने वाले। अभी एक्सीडेंट होएगा, ताबड़तोड़ उधर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते है, फिर क्या क्या तकलीफ है। देखिए बसों के जो ड्राइवर है वो दिन प्रतिदिन राह चलते लोगों के ऊपर बसें चढ़ा रहे हैं। बराबर है, बराबर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बस वाले को हम लोग कितना बोलते हैं कि बाबा तुम रोड पे चलाओ, फुटपाथ पे काहे को चढ़ता है, मगर बस वाला सुनता नहीं है। तो अभी हम ये निर्णय लेने वाले कि जितना भी पैदल चलते हैं लोग उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, ऐसा हम अनिवार्य करने वाले हैं। फिर क्या क्या तकलीफ है? जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही बोलने वाला है, चलती बस में उतरने का है तो उतरो, पर थोड़ा आजू बाजू देखने का, इधर हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल है तो उड़ी मारो, फिर क्या का तकलीफ है। बराबर है। तो आज हमारे साथ हैं सरकारी बस के ड्राइवर गफूर कुरला। सलाम अलैकुम। आप पर इल्जाम है कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी एक सरकारी बस के ड्राइवर हैं। शी जनाब, ये हादसा मेरे साथ बचपन से चल रहा है जनाब। बचपन में मैं एक बार छोटा था। ओह, तो आप बचपन में छोटे थे? जी जनाब। तो कक्षा एक में पढ़ता था, एक से लेके कॉलेज तक साहब मैं पढ़ाई किया जनाब, और मुझे बैठने को नहीं मिला जनाब बस में। मेरे तन बदन में आग लग जाती जनाब। मैं उसी वक्त ये ठान लिया था मैं बड़े होकर बस का ड्राइवर बनूंगा जनाब, और लो जी मैं बस का ड्राइवर बन गया। वो दिन है और आज का दिन है जनाब, मुझे बैठने की दिक्कत ही नहीं हुई। आप पर ये इल्जाम है कि आप हैं तो सरकारी बस के ड्राइवर, लेकिन फिर भी आप एक्सीडेंट इतने क्यों करते हैं? जनाब एक्सीडेंट का होना ना होना मेरे बस में नहीं है जनाब। तो फिर किसके बस में है? ये अल्लाह ईश्वर के बस में है जनाब। आप पढ़ते नहीं, बस में लिखा रहता है ईश्वर अल्लाह आपकी यात्रा मंगलमय करे जनाब। अच्छा गफूर जी, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे बस में रहते हैं? जनाब मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ जनाब, 10 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 14 घंटे अपनी बीवी के बस में रहता हूँ जनाब। फत्तों को तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ जनाब। है? ये फत्तो कौन है? फत्तो मेरी माशूका है जनाब, इसी चक्कर में वो किसी और के बस में हो गई जनाब। ना कुछ तेरे बस में फत्तो, ना कुछ मेरे बस में फत्तो। जनाब आपको उसका नाम कैसे मालूम? आप ही ने बताया है। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इस बार मंगू को हम अदालत से पकड़ कर लाए। अदालत? कहाँ रे मंगू, तुझ पे वहाँ कोई केस चल रहा है? साहब आपके रहते भला मेरे ऊपर कोई केस चल सकता है? चल सकता है, अगर तुम साहब का हिस्सा दबाने की कोशिश करोगे तो। जू तो छट जोर बाउट, समझा? ए मंगू तू हमको ही बता, तू हुआ करने क्या गया था? साहब आज तो एक बहुत बड़े नेता के ऊपर फैसला आने वाला है। हैं? अरे तो तुझे क्या लगता है कि हर चोर का फैसला कोर्ट में होता है? जू तो छटअप यूर माउथ। ए मंगू तू हमको ही बता कि ये केस से तेरा का लेना देना? साहब मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में रोकियो मत। मैं तो गया था अदालत वाली मूर्ति की आंख पे बंधी हुई पट्टी चुराने के, ताकि उसकी आंख खुले और आज पहली बार सही चोर को सजा मिले। बा मंगू, आई एम प्राउड ऑफ जू। कौन है बे? इस बार मंगू सरकारी दफ्तर में पहुंच गया। कहाँ रे मंगू, वहाँ कौन सी अर्जी लगाने गया था? साहब सच सच बताओ, मैंने आपको कितना कमा के दिया है? आप कम से कम मुझे ये तो बद्दुआ मत दो मैं किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाऊँ। बद्दुआ? बद्दुआ तो तुम्हें उसी दिन लग गई थी जिस दिन तुम साहब के चक्कर में फंस गए थे। जू तो छटा। अरे मंगू तू हमको ही बता, तू हुआ चुराने कहा गया था? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सरकारी दफ्तर क्यों जाऊंगा? अरे मैं तो फाइल चुराने गया था साहब। फाइल? फिर तो जाने दो साहब, फाइल का क्या करोगे आप? आप तो वैसे भी अनपढ़ गवार आदमी हो। जू तो छटा बंच गए, नहीं तो तेरे पे केस डाल के तेरे को अंदर कर दूंगा, समझा का? मंगू तू हमको ये बता, ऐसा कौन सा जरूरी फाइल था जो तू चुराने गया था? आपको तो मालूम है अपने देश में जब एक बार फाइल बन जावे है तो बाबू अलमारी में रख दे, ना कोई देखने वाला ना कोई निकालने वाला, उस फाइल से कुछ काम तो होता नहीं। तो मैंने सोचा ऐसी फाइलें चुरा लो, चुराक रद्दी वाले को बेच दो, तो 2 जून के खाने का इंतजाम हो जाएगा गरीब का। है?